Dear students, today we will study the last article of the running chapter. The chapter heat and thermodynamics. Today we will study how heat and energy transfers from one place to another place. The transformation of heat energy, जो different processes, mechanism हैं, उन्हें हम यहाँ पर discuss करेंगे. There are three basic mechanisms. With the virtue of them. Heat energy transfers from one place to another place. Those three mechanisms are conduction, convection, and radiation. I will discuss all these three mechanisms in detail. First of all, मैं आप तमाम बच्चों से ये request करता हूँ क्योंकि हम लोग ये lectures जो हैं वो YouTube पे regularly upload हो रहे हैं. जिन बच्चों ने अभी तक ये channel subscribe नहीं किया वो subscribe करें और ताकि उन्हें आने वाले जो जितने भी लेक्चर हैं वो हमें इन टाइम जो है वो मिल सके. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हीट? बेटा, हीट एनर्जी इज द मोमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ सब्सटेंस एट हाई टेंपरेचर टू अ सब्सटेंस एट लो टेंपरेचर. ये थर्मल एनर्जी है जो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ फ्लो करती है. पहले बताया था हीट एनर्जी इज द एनर्जी इन ट्रांसिट. हीट एनर्जी नथिंग, ये नहीं मैं कह सकता कि इस टाइम इस बॉडी की इतनी हीट है और इस बॉडी की इतनी हीट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. हीट हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है, इसका इतना टेम्परेचर है. यदि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है और जब तक ये फ्लो करती रहती थर्मल एनर्जी तो हीट एनर्जी है, और जब ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में चली जाती है तो ये बॉडी के टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है. Heat versus temperature. Heat is actually an energy. और temperature क्या है? Heat के units joule हैं. Temperature क्या है? The measure of average kinetic energy of particles in the substance. तो substance के average kinetic energy की जो है उसे हम temperature से measure करते हैं. बेटा, यहाँ पर एक बड़ी important बात, वही बात कि heat is not a temperature. Heat को आप temperature नहीं समझ सकते. It's not a temperature. Heat is a form of energy which is in transit like work. Heat transfers always from warmer place to cooler place. Hot object in a cooler room will cool to room temperature, and cold objects in warmer room will heat up to the room temperature. बेटा, क्या होता है, पहले जमाने में जब कमरों को ठंडा करना होता था तो एसीस नहीं होते थे. क्या करते थे? पहाड़ों से बर्फ काट के लाया करते थे और अमीरों के कमरों में रख दिया करते थे. वो क्योंकि कूलर कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे तो वो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या करते थे, जो रूम है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट है उसमें से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे तो रूम में कूलिंग इफेक्ट पैदा होता था. अगर कमरे में कोई गर्म ऑब्जेक्ट ले आए तो वो तो कमरा उस गर्म ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, कमरे में हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा. तो हमें पता चला हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट वार्मर प्लेस टू द कूलर प्लेस, हॉट ऑब्जेक्ट्स टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. थ्री वेज जो हैं वो हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है. ये इन्हें हम बारी बारी यहाँ पे स्टडी करेंगे. व्हाट इज कंडक्शन? बेटा, कंडक्शन कुछ ये है कि आपके पास अगर कोई, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इफ यू हैव अ थर्मल कंडक्टर. नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो थर्मल कंडक्टर भी होता है. या आपके पास एक मेटल की रॉड है, इधर से आपने इसे पकड़ा हुआ है और इसे इधर आप इसे गर्म कर रहे हैं. अब देखेंगे कि ये साइड गर्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता, ये साइड ठंडी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाली साइड भी गर्म होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये साइड भी उतनी ही गर्म हो जाएगी जितनी ये वाली साइड गर्म है. तो यहाँ पे हीट एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गई थ्रू दिस थर्मल कंडक्टर, इस थर्मल कंडक्टर की मदद से. तो दिस इज नोन एज कंडक्शन, है कंडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी थ्रू कंडक्शन. ये कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है. इसमें होता क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है. इस तरह से एक एंड से हीट एनर्जी दूसरे एंड तक
फ्लो कर जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो मैकेनिज्म है दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन फ्लोइंग ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू द लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट विद द वर्चू ऑफ अ थर्मल कंडक्टर। थर्मल कंडक्टर की मदद से आप देख सकते हैं इसमें आप हीट अप कर रहे हैं, ये आपके पास कोई फ्राई पैन है, इसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट एनर्जी इस कंडक्टर की मदद से, इस कंडक्टर से इस फ्राई पैन के अंदर जो फूड है उसमें ट्रांसफर हो रही है। दिस इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन में होता क्या है, जब आप कोई गर्म करते हैं, ये वही रॉड जो पहले मैं मिसाल ले रहा था, ये इसका कोई रॉड है, आप जब इसे गर्म करेंगे और एक एंड को गर्म करेंगे, दूसरे एंड को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो हिस्सा लेते हैं, उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, वो मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी देंगे, वो नेक्स्ट को देंगे, वो नेक्स्ट को देंगे, इस तरह से एक साइड में हीट एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, जस्ट अ मिनट बेटा, इसका जो है ना पॉइंटर, इसका कोई इशू है, मुझे तो पॉइंटर काम कर रहा है, इसे हम रिलेज कर देते हैं, जस्ट लाइक हम कर देते हैं, इधर जो है ना हमारा पॉइंटर वो काम नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट बेटा। तो बेटा हम देख रहे थे कि जो ही हम इस साइड से हीट एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है, इस तरह ये मॉलिक्यूल्स इस साइड पे मूव करते हुए दूसरी साइड पे जो है वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते करते एक साइड से दूसरी साइड पर ये ट्रांसफर हो जाती है हीट एनर्जी। इस तरह से ये वाला एंड हम गर्म कर रहे थे, ऐसा ऐसा दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। अब इसे हम देखें, कहता है कि द आउटर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स ड्रिफ्ट एंड आर फ्री टू मूव व्हेन द मेटल इज हीटेड, दिस इज दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसफर इट थ्रू द मेटल। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और मेटल में ट्रांसफर करेंगे। इंसुलेटर सच एज वुड, प्लास्टिक डू नॉट हैव दिस सी, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि इंसुलेटर्स होते हैं, इनके कंडक्शन बैंड इनका फ्री होता है, खाली होता है, उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लिहाजा ये ना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं ना ही थर्मल कंडक्टिविटी में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हिस्सा लेते हैं। इसी तरह बेटा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है कैसे होती है बेटा, ये कितना ज्यादा एरिया है, फर्ज किया कि ये कंडक्टर है, इसका जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी ये टेम्परेचर इस साइड का ज्यादा है T1 T2, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जितनी ये लंबी होगी ये रॉड उतनी ही हीट एनर्जी कम ट्रांसफर होगी। तो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T ओवर डेल्टा X। अब यहाँ पर हर मटीरियल एरिया से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं करता, यानी तीन चार आप डिफरेंट मटेरियल्स के रॉड्स ले लो जिनका सेम लेंथ हो, सेम एरिया हो, वो सेम हीट एनर्जी नहीं लेंगे, ज्यादा ये हीट एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मटेरियल डिपेंडेंट है, और इसके लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी। इसके यूनिट्स आप निकाल सकते हैं, ये यहाँ से के निकल आएगा ना, एच डेल्टा एक्स और ए डेल्टा टी, यहाँ से आप इसके यूनिट्स जो है निकाल सकते हैं। इसी तरह बेटा ये थर्मल कंडक्टिविटी है और आप है थर्मल रेजिस्टर,
वो एल ओवर के यानी डेल्टा एक्स ओवर के रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो एल ओवर के इज द थर्मल कंडक्टेंस। बेटा दिस इज द कंडक्शन जिसकी मदद से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है क्यों हमें वुड जो है मेटल ठंडी लगती है और वुड गर्म लगता है। इसकी वजह यह है कि वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वहाँ पर कंडक्शन नहीं होती, और वुड जबकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर कंडक्शन होती है। यूं ही आप मेटल को हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ की गर्मी को वो ट्रांसफर कर देता है थ्रू मेटल, और वुड ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए वुड आपको गर्म लगेगा। एक बड़ा सादा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर किसी को बुखार हो तो आप उसे हाथ लगाएं, आपको उसका जिस्म गर्म लगेगा और उसे आपका हाथ ठंडा लगेगा, क्योंकि आपके हाथ की तरफ हीट एनर्जी आएगी उसकी तरफ से। तो जो ठंडा जिसे बुखार है उसे आपका हाथ ठंडा और आप उसका हाथ या उसका जिस्म जो है वो गर्म फील होगा। जो दूसरा तरीकाकार है वो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हमने देखा है कि जब कोई फ्लेम बनता है तो यानी कोई हीट एनर्जी बन रही या आपने कोई आग जलाई है उसकी गिर्द फ्लेम है। बेटा ये फ्लेम असल में फ्लूइड गर्म होके यानी हमारे गिर्द गैस है वो फ्लूइड है वो गर्म होके ऊपर को जाती है। तो ये जहां तक ये गैस जाती है वहां तक जो हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कहता है कन्वेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हीटेड मॉलिक्यूल्स एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो कन्वेक्शन होगी टेकिंग द हीट विद देम। तो वो मॉलिक्यूल जैसे जैसे जाएंगे यानी एक जगह दूसरी जगह मूव करेंगे अपने साथ हीट एनर्जी को भी ले जाएंगे। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें अगर आपने अक्सर देखा होगा हम दूध गर्म करते हैं तो वो बॉयल होकर बाहर आ जाता है। ये डजंट मीन कि दूध की क्वांटिटी बढ़ गई है, नहीं बल्कि उसकी डेंसिटी कम हो गई, वो फैल गया। फैला कैसे है, जब उसे हीट एनर्जी उसे गर्म करते हैं तो जैसे उसे गर्म कर रहे हैं उधर से लेट्स सो ये वाटर है, अब यहाँ पे दूध की बात कर सकते हैं, उधर से वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर को जाना शुरू हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो कूलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, गर्म होकर ऊपर जाएंगे नीचे आ जाएंगे। अब जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये थ्रू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो रही है और मॉलिक्यूल्स एक जहां जहां जा रहे हैं वो हीट एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। इसे आप इधर समझ सकते हैं कन्वेक्शन को। हाँ यहाँ देखें आप यहाँ पे इसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, इधर से मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और ये ठंडे मॉलिक्यूल्स जो ऊपर सरफेस पे थे वो नीचे आ रहे हैं, वो भी गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, दिस इज द कन्वेक्शन। ये एक और मैकेनिज्म इसी को समझने के लिए। उसके बाद थर्ड वन इज द रेडिएशन। हम देखते हैं कि सूरज से रेडिएशन जमीन पे हीट एनर्जी पहुंच रही है तो सूरज और जमीन के दरमियान वैक्यूम भी है। तो बेटा बेसिकली ये थ्रू रेडिएशन पहुंच रही है, रेडिएशन मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्लो करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये मीडियम के बगैर भी फ्लो करते हैं। आप ऐसा करें देखें कि अगर आपके पास एक दूर कोई हीटर पड़ा है उसकी अगर हीट एनर्जी आप तक पहुंच रही है तो वो भी थ्रू रेडिएशन आप तक पहुंच रही है। कहता है रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। रेडिएशन तो वैसे हर वो चीज जो एनर्जी कैरी करे उसे रेडिएशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं सही बात है, और जब तक ये रस्ते में किसी ऑब्स्टेकल से नहीं टकराते फिर उनकी डिफ्रैक्शन हो जाती है। जो रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, और रेडिएशंस की जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो रेडिएशन ट्रांसफर एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एग्जांपल सन, फायर, लाइट बल्ब, कमरे में कोई बल्ब लगा उससे भी हीट एनर्जी आपको मिलती है। व्हाई हाउसेज आर पेंटेड वाइट इन हॉट कंट्रीज, इसलिए जो वाइट कलर है ये रेडिएशन को एब्सॉर्ब नहीं करता, रिएक्ट करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इस तरह जो हाउसेज हैं वो ठंडे रहते हैं। बेटा ये है आज का हमारा टॉपिक, इसे आप लोग HRK की बुक से भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके सैंपल प्रॉब्लम करेंगे। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।